उज्बेकिस्तान में चीन के बयान के बाद खलबली। पुतिन जिनपिंग ने एक साथ भारत के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। गलवान हिंसक झड़प के बाद पहली बार मोदी के लिए दुम हिलाता दिखा जिनपिंग। उधर एलओसी पर पाकिस्तान की तबाही का हथियार तैनात। भारत ने बना डाला एआई टेक्नोलॉजी से लेस एंटी ड्रोन सिस्टम। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की धरती पर चल रहा एससीओ मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, जहां एक ओर अमेरिका के दो बड़े दुश्मन एक मंच पर साथ दिखाई दिए, तो वहीं भारत के भी दो बड़े दुश्मन भारत के साथ मुलाकात करने के लिए दुम हिलाते दिखे। जिसके बाद इस शिखर सम्मेलन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस मीटिंग के अंदर जिनपिंग और पुतिन ने मिलकर ऐसा ऐलान कर दिया जिससे जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और मोदी का बोलबाला साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, गलवान घाटी हिंसक झड़प के बाद पहली बार चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग और मोदी एक मंच पर एक साथ मुलाकात करते नजर आए। इस मुलाकात में क्या मायने निकल कर सामने आए हैं, साथ ही इस मुलाकात को लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है और जिनपिंग ने भारत को लेकर कैसा रवैया दिखाया है, इन बातों को लेकर हम आपको विस्तार से बताएंगे और आखिर क्यों जिनपिंग और मोदी की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। तो वहीं उधर दोस्तों, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों से परेशान भारत ने एक ऐसा शिकारी बना लिया है जो पाकिस्तान की भारत पर की जाने वाली हर गुस्ताखी का काल बनेगा, हर हथियार को निगलने वाला है। भारत ने एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है जो अब एलओसी पर और जम्मू कश्मीर के साथ ही पूरे देश में पाकिस्तान की गुस्ताखी का जवाब देने वाला है। इस सिस्टम की क्या खासियत है और क्यों यह महत्वपूर्ण है, भारत की सेना में इसके शामिल होने से भारतीय सेना की क्षमता में कितना इजाफा होगा, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में चल रहे 22वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को अगले साल एससीओ की मेजबानी करने के लिए अग्रिम बधाई दे दी है। चीन ने भारत के लिए इस टिप्पणी को करने के बाद यह साबित करने की कोशिश की है कि वह भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखना चाहता है। भारत जानता है कि चीन सीमा पर किस प्रकार का आचरण करता है और एससीओ मीटिंग से पहले जयशंकर के इस बयान ने भी खलबली मचा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए भारत के खिलाफ कदम उठाता है और जयशंकर ने इस बात को लेकर भी समय समय पर भारत का पक्ष रखा था कि जब तक सीमा पर चीन शांति की बात नहीं करता तब तक चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं बनाए जा सकते। इसकी वजह से ही एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बीच सस्पेंस बरकरार है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि गलवान घाटी हिंसक झड़प के बाद दोनों देश आपस में मुलाकात करने वाले हैं और चीन को भी उम्मीद थी कि भारत के साथ उसकी मीटिंग होगी। दोस्तों, भारत को खुश करने के चक्कर में जिनपिंग ने 2023 में होने वाली एससीओ मीटिंग में भारत की अध्यक्षता को लेकर खुशी जताई है। जिनपिंग ने कहा, हम अगले साल भारत की अध्यक्षता का समर्थन करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की यह जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सीमा पर जारी तनाव के बाद से पहली मुलाकात है। शुक्रवार को एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक उज्बेक शहर समरकंद पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, तुर्की के राष्ट्रपति समेत कई अन्य देशों के प्रमुख भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। समरकंद में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होनी है। दोस्तों, इस मुलाकात में जिनपिंग की तरह ही पुतिन ने भी भारत में अगले साल होने वाली एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता को लेकर अग्रिम बधाई दे दी है। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिनपिंग और पीएम मोदी भी बैठक कर सकते हैं। अगले साल भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिस पर चीन ने भारत को बधाई दी है और चीन ने भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने की बात कही है। इस शिखर सम्मेलन के बाद कई देशों के बीच रिश्तों के समीकरण बदल सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख भारत और चीन है। चीन के रणनीतिक जानकारी और राजनीतिक नेतृत्व पीएम मोदी को राजनीतिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करके भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते रहते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एसईओ मीटिंग में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात भी शिखर सम्मेलन का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहली फेस टू फेस मुलाकात है। चीन उन देशों में शामिल है जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस का समर्थन कर रहा है। बदले में पुतिन ने भी चीन की एक चीन नीति का समर्थन किया है। हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं ने वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों ही नेताओं का अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है। तो दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर, चलिए अब जानते हैं दूसरी और महत्वपूर्ण खबर। पाकिस्तान की गुस्ताखी में भारत के अंदर आने वाले ड्रोन को निगलने के लिए फंसाने के लिए भारत की एक स्वदेशी कंपनी ने ड्रोन डिफेंडर नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर आधारित है, लेकिन यह दुश्मन के ड्रोन को जाल में पकड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसे कोई शिकारी बाज या चील को नेट से पकड़ता है, वैसे ही इस ड्रोन डिफेंडर से दुश्मन के ड्रोन को नेट के जरिए पकड़कर नीचे लाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार और ड्रग्स तस्करी लगातार भारत के अंदर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ समय से ड्रोन से हमले का भी खतरा बढ़ा है। ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए दिल्ली स्थित एक स्वदेशी कंपनी नियो स्काई ने ड्रोन डिफेंडर सिस्टम तैयार किया है। ड्रोन डिफेंडर में एक लॉन्चर लगा है, जैसे ही ड्रोन इसके पास आएगा तो इसमें लगा नेट खुद ही इसे अपने जाल में फंसा लेगा। यह नेट करीब 30x30 फीट का है। इस ड्रोन डिफेंडर की रेंज करीब 20 किलोमीटर है। इस ड्रोन डिफेंडर को नियो स्काई कंपनी ने बेंगलुरु की एक ड्रोन कंपनी TAS के साथ मिलकर तैयार किया है। नियो स्काई के CEO ने खास बातचीत में बताया कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम सॉफ्ट किल के जरिए रोग ड्रोन को न्यूट्रलाइज करता है। फिलहाल BSF और दूसरे सुरक्षा बल सीमा पर पाकिस्तान आने वाले ड्रोन को किसी गन के जरिए नीचे गिराते हैं। DRDO ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है वो लेजर तकनीक पर आधारित है। मौजूदा एंटी ड्रोन सिस्टम काफी महंगा होता है। इसके अलावा यह ड्रोन को नष्ट करने की तकनीक पर आधारित है। ऐसे में दुश्मन के ड्रोन का डाटा और उससे जुड़ा अहम डाटा नष्ट हो जाता है, लेकिन ड्रोन डिफेंडर बेहद ही किफायती एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसमें 70% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इसमें लगे नेट यानी कि जाल की कीमत मात्र 1000 रुपए है। इसके अलावा नेट में फंसाकर दुश्मन के ड्रोन को आराम से नीचे लाया जा सकता है। ऐसे में इसका डाटा नष्ट नहीं होता, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद अहम है। दोस्तों ड्रोन डिफेंडर को तैयार करने वाली बेंगलुरु की कंपनी TAS के CEO नागेंद्रन ने बताया कि स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम 5 किलो तक के रोग ड्रोन को आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है। इसके अलावा ये कॉम्बेट ड्रोन यानी कि अटैक ड्रोन को भी अपने जाल में फंसा सकता है। इस ड्रोन डिफेंडर में 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जाल लगा है। ऐसे में यह दुश्मन के स्वार्म ड्रोन को भी मार गिराने में कारगर है। कंपनी के मुताबिक ड्रोन डिफेंडर को बनाने में करीब 8 महीने का समय लगा। यह देश में अपने आप में एक अनूठा एंटी ड्रोन सिस्टम है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।